हिस्ट्री की बात करें तो सदियों पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। लोग हर काम हाथों से करते थे और जो काम आज हम सेकंड्स में कर देते हैं, पास्ट में उसे करने में कई महीने लग जाते थे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख की ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो की अपने दौर के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस थी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। आजकल ऐसी व्हीकल्स इजाद हो चुकी हैं जिनकी मदद से मीलों का सफर कुछ ही मिनटों में तय किया जा सकता है। फिर चाहे हम प्लेन में बैठे हो या किसी शिप में, अब दुनिया के किसी भी कोने में जाना इम्पॉसिबल नहीं रहा। लेकिन आज से कई हजार साल पहले लोगों को ट्रैवल करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। अगर मिस्र की कदीम व्हीकल्स की बात की जाए तो उस वक्त कैरियर्स, विकिंग शिप्स या फिर जॉर्गन हॉर्स बोट्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि एंशिएंट इजिप्ट के पास एक ऐसी व्हीकल मौजूद थी जो दुनिया में आज तक दोबारा नहीं बन सकी। ये जो ह्यूज शिप आप देख रहे हैं, इसे 3rd century BC में बनाया गया था। ये बिल्कुल एक रियल शिप है। इसका साइज जदीद दौर के हिसाब से एक क्राफ्ट के बराबर था। ये हिस्ट्री का सबसे लार्ज शिप था। इसकी लंबाई 130 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 25 मीटर से ज्यादा थी। ये मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाया गया था। इतने बड़े शिप को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि हजारों साल पहले ये रियल में मौजूद था। इवन के कुछ रिसर्चर्स ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये शिप रियल में मौजूद था। ये चप्पू की मदद से चलता था। इसे 450 सेलर्स मिलकर चलाते थे। ये शिप इतना बड़ा था कि इसके अंदर एक वक्त में 2850 लोग आ सकते थे। इट मीन्स कि उस वक्त इस एक शिप के अंदर एक पूरा टाउन आ सकता था। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे दो बड़े शिप को जोड़कर एक शिप बना दिया गया हो। इसका वजन 4000 टन से ज्यादा था। ये इंसानी तारीख की सबसे इनक्रेडिबल इन्वेंशन में से एक थी। हाइड्रोलिक हैमर। दोस्तों, आज से 2100 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान भी नहीं होता था, तब भी लोग मशीन्स का इस्तेमाल करते थे। ये मशीन आजकल की एडवांस मशीन के मुकाबले तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये उस दौर के हिसाब से बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी और काफी एडवांस थी। ये जो हाइड्रोलिक हैमर आप देख रहे हैं, ये भी इन्हीं में से एक है। साउथ ईस्ट चाइना में आसारे कदीमा के माहिरीन ने ये 2000 साल पुराना वर्किंग टूल दरियाफ्त किया है। इस मशीन का व्हील पानी की पावर से चलता था और इसके आगे हैमर लगे हुए थे। जैसे जैसे ये व्हील घूमता है, हैमर ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करता है। इस मशीन को पिसाई के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस टूल का हर एक हैमर 450 न्यूटन पावर रखता था। ये मशीन 10 लोगों के बराबर काम करती थी। और मजे की बात यह है कि ये इंसानों की तरह थकती भी नहीं थी और ना ही इसे कुछ खाने के लिए चाहिए होता था। ये 24 घंटे बगैर रुके काम करती रहती थी। इसे चलाने के लिए कोई एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ती थी। एंशिएंट चाइनीज इसे अपने मसाला जात और गंदम वगैरह पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। कि इन्वेंशन के कुछ ही अरसे बाद इसे चाइनीज रेवोल्यूशन इंडस्ट्री में लोहे को तोड़ने के लिए यूज किया जाने लगा। इवन कि आज तक इस मेथड को मॉडर्न फैक्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। लोहे को गर्म करके इस पर ये हैमर मारने से वो आसानी से टूट जाता है। ये इन्वेंशन वाकई में कमाल की थी। एंशिएंट बैटल कैरियर। दोस्तों, अगर जंगों की बात की जाए तो ये हर दौर में लड़ी गई है। पुराने दौर में जिनके पास जंगी हथियार होते थे, वो अपने मुखालिफिन से जंग करते थे ताकि वो इन्हें हरा कर इन पर कब्जा कर सके और इन्हें अपना गुलाम बना ले। ना सिर्फ हिस्ट्री में बल्कि आज भी दुनिया की हर फौज के पास हथियार मौजूद होते हैं और वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त जंग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। आजकल की आर्मीज के पास टैंक्स मौजूद होते हैं जो कि बैटलफील्ड की सबसे पावरफुल वेपन माने जाते हैं। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि इन टैंक्स को 3000 साल पहले ही इन्वेंट कर लिया गया था? ये जो एंशिएंट कैरियर आप देख रहे हैं, ये टैंक का ओल्ड वर्जन है। इन्हें ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि बैटलफील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता था। ये दो पहियों पर बनी हुई घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी जिस पर सवार होकर वारियर अपने दुश्मनों पर हमला करते थे। फैरो रामेसिस II, जो कि मिस्रियों का बहुत बड़ा फिरौन था, इसने कैदिश बैटल के दौरान कैरियर्स बनाने के लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनवाई थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये फैक्ट्री नीला डेल्टा के इलाके में बनाई गई थी। इसमें जंग के लिए 4000 कैरियर्स बनाए गए थे। यहाँ एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी बनाया गया था और इसके अलावा एक रियल असेंबली लाइन भी क्रिएट की गई थी। ये फैक्ट्री आजकल के दौर की जदीद फैक्ट्रीज की तरह ही काम करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें कन्वेयर बेल्ट नहीं था। आजकल के वॉर टैंक्स इन्हीं कैरियर्स के कॉन्सेप्ट पर बनाए गए हैं। ये रियली इनक्रेडिबल है।
जूल क्रॉसबो। दोस्तों आप में से अक्सर लोगों ने क्लैशन कोव देखी होगी। ये एक बहुत ही रैपिड फायर वेपन है। इसकी सारी गोलियां एक दफा चलाने पर ही बाहर निकल आती हैं। ये आम राइफल से कई गुना पावरफुल होती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर जंगलों में किया जाता है ताकि दुश्मन पर तेजी से अटैक किया जा सके। इसे पहली दफा 1947 में बनाया गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली इसकी इजाद 2000 साल पहले चाइना में हो चुकी थी। इस वेपन का नाम ज्यूज क्रॉसबो था। ये कोई नॉर्मल क्रॉसबो नहीं थी, ये एक रिपीटिंग क्रॉसबो थी जिसकी मदद से सिर्फ 15 सेकंड में 7 से 10 तीर कमान के अंदर से निकल सकते थे। हालांकि आम कमान से 1 मिनट के अंदर सिर्फ 2 तीर ही निकलते थे। चाइनीज वॉरियर इसे अपनी जंगों में यूज करते थे। ये डिवाइस 2री या 3री सदी में इन्वेंट की गई थी। कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये इससे भी पहले बनाई जा चुकी थी। इन्हें आखिरी दफा 19वीं सदी की जंगों में यूज किया गया था। इसे चाइनीज रिपीटिंग क्रॉसबो भी कहा जाता है। इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये क्रॉसबो लीवर एक्शन राइफल के 1873 वेंचेस्टर मॉडल की सेम स्पीड से शूट करती थी। इस वेपन को चाइना की औरतें अपने घर में चोरों और डाकुओं से बचाव के लिए यूज करती थी। इसके अलावा इसे जंगलों में शिकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ये रियली अनबिलीवेबल है। कॉपर सा, दोस्तों आप में से अक्सर लोगों ने पिरामिड्स देखे होंगे। कदीम मिस्र के लोग इन्हें रिलीजियस पर्पस के लिए तामीर करते थे। ये कदीम दौर की उन पहली सिविलाइजेशंस में से एक थी जो मौत के बाद जिंदगी पर यकीन रखते थे। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए 2 टन या इससे भी ज्यादा वजनी पत्थर पिरामिड साइट पर लेकर जाए जाते थे और वहाँ पर इन पत्थरों को फर्निश करके पिरामिड्स की शक्ल दी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दौर में वर्कर्स पहाड़ों को किस तरह काटते थे? आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो पिरामिड्स बनाने के लिए इस चॉपर सा का इस्तेमाल करते थे। ये आरी मेटल या चॉपर से बनाई जाती थी और इसे पत्थरों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है कि इतने बड़े बड़े पिरामिड्स को बनाने के लिए कोई ड्रिल या एडवांस टूल नहीं होता था, बल्कि ये आरी इस्तेमाल की जाती थी। हालांकि अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉपर की आरी अगर पत्थर पर यूज की जाए तो ये बेंड हो जाएगी, लेकिन ये सौ ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसकी मदद से सैंडस्टोन्स और लाइमस्टोन दोनों को इजीली कट किया जा सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एंशिएंट इजिप्ट्स अपने स्टैचू भी इसी से तराशते थे। ये सच में कमाल है। पुली सिस्टम, दोस्तों आप में से